नागरिकता कानून के खिलाफ जंग कब तक चलेगी, फरकोम से मजमा कब हटेगा? और ये सवाल इसलिए और अहम हो गया है क्योंकि अब तक दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शहर शहर शाहीन बाग बनने लगे हैं। मुंबई से लखनऊ तक एक ही नजारा है जहां मुस्लिम महिलाएं कई दिनों से दिन रात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ धरने पर डटी हुई हैं। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में भी एक ऐसा ही प्रदर्शन चल रहा है जहां मुस्लिम महिलाओं ने नागरिकता कानून के विरोध में मोर्चा खोला है। शाहीन बाग में करीब 1.5 महीने से प्रदर्शन जारी है और उसी तरह लखनऊ का घंटाघर भी शाहीन बाग बना हुआ है जहां मुस्लिम महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। मुंबई के नागपाड़ा में जो मुस्लिम महिलाएं डटी हुई हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर नागरिकता कानून वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली के शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन यहां भी चलता रहेगा। शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा इलाके में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ पर लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। सीए और एनआरसी के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन 26 जनवरी की रात को शुरू हुआ था, तब से लगातार आज ये तीसरा दिन है जब ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों के हाथों में तिरंगा है, बैनर है, पोस्टर है। पहले दिन जब विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था लोग यहाँ पर रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब महिलाओं ने बाकायदा अपना एक मंच तैयार किया है जिस पर नेशन रिजेक्ट सीए जैसा एक बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम बैनर पोस्टर के जरिए लोग जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सीए और एनआरसी के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ में लोग भी हैं जो इस प्रदर्शन का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं। बताइए, आज तीसरा दिन है, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, आगे क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों की? देखिए, प्रदर्शन तब तक चलेगा जब डिमांड्स नहीं मीट होंगी। डिमांड्स ये है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का एक पोजीशन होना चाहिए इस पे। और ऑब्वियसली हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें सीएए एनआरसी एनपीआर मंजूर नहीं है, ठीक है? तो जब तक इसको वापस नहीं ले लिया जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। यहाँ की औरतों ने इसके प्रोटेस्ट को शुरुआत की है, यहाँ के बच्चों ने किया है, स्टूडेंट्स ने किया है, और ये टोटल क्राउडी जो यहाँ का लोकल कम्युनिटी है वही सब मैनेज करी, खाना पीना एज अ चैरिटेबल कॉज। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा। संविधान बचाने के लिए यहाँ सब लोग बैठे हैं। अगर आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको